ये तस्वीर भयावह है। बाढ़ से बर्बादी का ये आलम, उफनती नदियों ने डराया। ये कैसा सैलाब आया? कोरोना के बाद अब बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है। हजारों लोग बेघर हो गए हैं और कई लोगों के पलायन करने की खबर भी आ रही है। और ये हालात देश के कई राज्यों के हैं, इनमें बिहार, महाराष्ट्र और बंगाल है, जहां इन दिनों हालात बद से बदतर बने हुए हैं। किसी का घर डूब रहा है तो किसी की गाड़ी, कोई अपनों को खो चुका है तो कोई मदद की गुहार लगा रहा है। ये तस्वीरें भयावह हैं, डरावनी हैं। आधे भारत में बारिश का कहर लोगों की परेशानी का कारण बना हुआ है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में शुक्रवार को तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी बारिश स्तर की हो सकती है और कई स्थानों पर आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। वहीं महाराष्ट्र और कर्नाटक के जिलों में भी भारी बारिश का अलर्ट है। बिहार में बारिश से हाल बेहाल। बिहार के चंपारण में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। गंडक नदी से पानी छोड़ने के बाद गांव में पानी की घुसपैठ शुरू हो गई है। कई गांवों से कनेक्शन टूट गया है, जिसके बाद लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। राहत टीम लगातार लोगों को निकालने में जुटी है। वहीं घरों के अलावा सरकारी इमारतों में भी पानी भर गया है। वहीं बिहार के गोपालगंज में बाढ़ की वजह से बड़े पैमाने पर लोग सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। गंडक नदी के लगातार जलस्तर बढ़ने से गोपालगंज के निचले हिस्सों में बसे 50 गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। कई जगह सड़कें टूट गई हैं, लोग पलायन कर रहे हैं। यूपी में नदियां उफान पर। श्रावस्ती में राप्ती नदी विकराल रूप धारण कर चुकी है। दर्जनों गाँव में खतरा मंडरा रहा है। श्रावस्ती जिले में 3 दिनों से लगातार बरसात हो रही है और अब लोगों के लिए आफत बनती हुई नजर आ रही है। कछार में बसे लोगों ने बाढ़ के डर से प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। लगातार हो रही बारिश के चलते शहर से गांव तक जगह जगह जल भराव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यूपी के कई और जिले भी हैं जहाँ पर हालात ऐसे ही हैं। बंगाल में भारी बारिश। पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। कोलकाता के कई निचले इलाकों और सड़कों पर बारिश का पानी भरा हुआ है। हुगली के आरमबाग में सैकड़ों लोग भारी बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में पानी घुसने से काफी परेशान हैं। बारिश के इस कहर से आरमबाग के लगभग 3,000 लोग बुरी तरह से प्रभावित हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है, प्रभावित है। मायानगरी में बरसात से आफत। मौसम विभाग ने मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी और रायगढ़ जिले में तेज बारिश की संभावना को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया। वहीं मुंबई में हाई टाइड की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार देर शाम हाई टाइड आ सकता है। इस दौरान समुद्र में पानी की लहरें 3.87 मीटर तक उठ सकती है। ऐसे में बीएमसी के आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से समुद्र तटों से दूर रहने की हिदायत दी है। इससे पहले महाराष्ट्र से कई ऐसी तस्वीरें आ चुकी हैं जो कि डराती है। ऐसे में कहीं गाड़ियां डूबती हैं तो कहीं लोग खुद डूब जाते हैं। गुजरात में लोग परेशान। अहमदाबाद में मॉनसून दस्तक दे चुका है। अहमदाबाद में हुई सीजन की पहली बारिश की वजह से एयरपोर्ट पर खड़े 4 विमान क्षतिग्रस्त हो गए। कल शाम अचानक हुई बारिश से विमान का पंखा और सीढ़ी क्षतिग्रस्त हो गए। ये सभी 4 विमान अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पार्क किए गए थे। इसमें 3 इंडिगो विमान भी शामिल थे। और पूरे गुजरात में ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली में मानसून में देरी, फिर बारिश की संभावना। वहीं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में पहुंचने के लिए फिलहाल स्थितियां अनुकूल नहीं है मानसून की। अगले 2 से 3 दिनों में गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मानसून की रफ्तार भी धीमी रहेगी। पहले पूर्व अनुमान जताया गया था कि मानसून 12 दिन पहले यानी 15 जून तक दिल्ली पहुंच जाएगा, लेकिन ऐसा ना हो सका। दिल्ली वासियों को अभी भी इंतजार करना होगा। तो इस बारिश ने कहीं आफत ला दी है तो कहीं अब भी इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।